हिसाब से चलो, इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। ए लिमिटेड इशू 1009% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार एंड रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स एट पार। भी आज हम पर शेयर ₹10 ले रहे हैं और 3 साल बाद भी हम उन्हें ₹10 पर शेयर वापस दे रहे हैं। बीच में जो इंटरेस्ट इंप्रूव दिया वो डिफरेंट बात है। तो जनरल एंट्रीज ऐसे होती हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर पर जो जनरल एंट्री है लमसम वाली, टू वन थाउजेंड इंटू टेन दूसरी एंट्री, थोड़ी सिंपल है। यस सर। जब ये डिबेंचर रिडीम होने हैं, यस सर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वैसे तुम्हें पेपर में पूछने वाले नहीं है बट ये तब समझ में आती है जब आप ये भी पढ़ते हैं। तो हमने ऐसे डालना है 9% डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन 1000 × 10 ₹10,000। जब लोन वापसी देना, डिबेंचर वापसी होने, डिबेंचर रिडीम होने, तो पहले हमने डालना अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर मीन जिसने वो डिबेंचर लिए होंगे। फिर वो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्हें पेमेंट हो जानी, अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। सही है। ये पैसा लिया और ये पैसा वापस दिया। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर 2 एंट्रीज हो रही है, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 एंट्रीज हो रही है। तुम्हें रिडेम्पशन वाली नहीं पूछी यानी पेपर में, बट तुम्हें आनी चाहिए सो दैट तुम्हें समझ आ जाता है। इसलिए एनी डाउट? सिचुएशन नंबर टू, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट what is this and redeemable at par। सुनना जरा, ए लिमिटेड इशू 1009% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार ना एट अ, हम यहां छूट दे रहे ऑफ ₹2 पर शेयर। रिडीमेबल एट पार
इतने डाल दिए मैंने शेयर्स पर शेयर डिस्काउंट ऑफ रुपीज 2 पर शेयर पर डिबेंचर। अपन को पता ही है डिबेंचर चल रहे हैं, आई मीन शेयर इशू होता है डिस्काउंट पे। शिवम सीए बन रहा है तो लॉयर नहीं बन रहा है, वन थाउजेंड इंटू एट वाई सान्या वाई एट कृपा सुना ही नहीं आपने सेंटेंस डाला ए लिमिटेड इशू फिर मेरी बात तो मैं यहाँ फालतू डाल रहा हूँ यहाँ पर सेंटेंस ये व्हाट इज दिस, मैंने पहले पूरा डलवाया ना ये व्हाई यू मिस्ड इट। हैव यू रिटन ऑल दिस सेंटेंसेस बट व्हाई नॉट दिस वन ना, आपने एंट्री डाल भी नहीं अभी नीचे वाला कर दी थी मैंने। बोल दो स्टॉप हो जाओ फिर ऐसे आपसे मिस हो जाते हैं ब्रिज मार ली पोर्शन के बीच में से। आप बोल तो भी ठहर जाओ और जिस हिसाब से यू आर रेडिंग डाउन ऐसे तो पूरा दिन में डिबेंचर नहीं पूरा होने वाला और मेरा नाश्ता नहीं हुआ अभी। ठीक है ठीक है
तेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे मुझे आज तक तेरी आवाज में दूर से भी जान लेता हूँ प्यार इतना नहीं है इरिटेशन ज्यादा हो रही है बोलिया भाई अब हम पढ़ने जा रहे हैं इश्यू डिबेंचर एट एंड रिडीमेबल एट पार 1009% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 इश्यू हो रहे हैं 8 रुपए पे यानी 2 रुपए लेस और रीपेबल एट पार इश्यू होने पे जो पैसा आना है वो तो 8 रुपए आया ये बात समझ आई दूसरी एंट्री यार एंड अलॉटमेंट अपने आप डाल लेना जो मैं मिस भी मार जाऊं तुम्हें साफ साफ बात आए तो थे मेरे पास 1008 दो रुपये मैंने छूट दिया वो मेरा लॉस हुआ इसलिए वो भी डेबिट ₹2000 2.9% डिबेंचर डिबेंचर मेरे 1000 × 10 ही बनने वाले सही है अब एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन सेम एंट्रीज जो पिछली बार हुई थी पार वाले सेम टू सेम एट पार वाली सही है समझ आया ऑल द एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन एट पार वाली एंट्री जोन तो उतार लिए बच्चे सबने सर आपने शायद ना वहाँ 200 लिखा 2000 ज़्यादा छोटा हो रहा है अब इश्यूड एट प्रीमियम रीपेबल एट पार ए लिमिटेड इश्यूड
1000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 9% डाले ना एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर रिडीमेबल एट पार। सही अमान पढ़ा जा रहा है? हम बंदे से बोल रहे हैं 12 रुपए दे और हमने मानना तुमने 10 रुपए दिए, सही है ना? दे देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत होता है, दे देते हैं। पहली एंट्री बताओ। ये तो एंट्री सेम ही रहनी है हमेशा, तो 1000 इंटू 12, जब इशूडेट पार था तो 10 रुपए लिए, तो फिर 8 रुपए लिए, प्रीमियम है तो 12 रुपए। सही है बच्चे? सही है। अब दूसरी एंट्री, अब तो बड़ा बड़ा है। अब मेरे पास यहां आए तो है 12000 टू 9% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में जो अमाउंट आनी है ना जी, वो हमेशा फेस वैल्यू ही आती है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, आप डाल पाते हो? आप सही है? एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, फिर वही एट पार वाली, एट पार वाली रिडीमेबल तो एट पार ही है ना, सही है? राइट डाउन हुआ सारों से?